हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज काजल ठाकुर। आज हम फिर मिले हैं एक नई सोच और उम्मीद के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की स्नैपशॉट की बुक का चैप्टर नंबर 1, द समर ऑफ अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, विच इज रिटन बाय विलियम सरियन। सो इस स्टोरी में कुछ मेन करेक्टर्स हैं एंड कुछ सब करेक्टर्स हैं। मेन करेक्टर वो जो स्टोरी के बेस हैं एंड सब करेक्टर्स वो जिनका नाम एक या दो बार आया है, बेसिकली एक बार आया है। सो फर्स्ट इसमें है अरम, जो इस स्टोरी के नरेटर हैं। सेकंड है उनकी कज़न ब्रदर मुराद, यानी कि आप ये मान लीजिए कि ये दो जो स्टोरी है वो दो कज़न ब्रदर्स की है। उन्हीं की स्टोरी के बारे में बताया गया है कि उन्होंने क्या क्या किया था। सो दो कज़न ब्रदर की स्टोरी है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होके एकदम अच्छी फीलिंग्स के साथ सुनिए, ताकि आपको ये स्टोरी जो है रटने की ज़रूरत ना पड़े। आपको मैं इतनी ज़्यादा इजी एक्सप्लेनेशन दूंगी कि आपको कुछ चीज़ रटने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी चीज़ को रटिए नहीं, बिकॉज हमेशा रट के ही काम नहीं चलेगा। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो खुद से करना होगा। सो आप इसको रटिए तो बिल्कुल भी मत। इस स्टोरी की एक्सप्लेनेशन को सुनिए, मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स के साथ एक्सप्लेनेशन दूंगी। आप उन मेन पॉइंट्स को रीड आउट कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, देन उसको एक दो बार रीड आउट कीजिए, तो आपको पूरी स्टोरी मुँह जुबानी याद हो जाएगी। देन एग्जाम टाइम पे आपको लर्न करने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, बस आप रिवाइज कीजिएगा एंड देन सब कुछ हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। थर्ड नंबर पे है, इसके अंदर है खुशरोव अंकल। फोर्थ नंबर पे है जॉन बायरो, जो एक फार्मर है। एंड उसके बाद सब करेक्टर्स पे आ जाती हैं। इसमें अरब हैं, जो कौन है, खुशरोव अंकल के बेटे अरब। जुराब कौन है, मुराद के फादर हैं। उसके बाद है अरम, अरम की मदर, यानी कि अरम की मदर के बारे में बात की गई है। उसके बाद है फटवीजन, फटवीजन कौन है, जो एक फार्मर है। ओके ओके, सो मेन पॉइंट्स के साथ इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज हु बिलोंग्स टू अ ट्राइब, यानी कि ये स्टोरी दो पुअर अर्मेनियन बॉयज के बारे में है जो एक ट्राइब से बिलोंग करते हैं। एंड वो ट्राइब क्या है, वो ट्राइब है गैरोगालियन, जो किस चीज़ के लिए फेमस है, होनेस्टी और ट्रस्ट के लिए फेमस है। ओके, सो जिस टाइम की ये स्टोरी थी तो नरेटर बताते हैं कि जब वो 9 साल के थे एंड जो मुराद हैं वो 13 साल के थे। ये अरम है जो 9 साल के थे एंड ये मुराद हैं जो 13 साल के थे। ये आपको याद रखने के लिए मैंने बताया ताकि आपको याद रहे। ओके ओके, सो फर्स्ट लाइन में ये बोला जा रहा है कि मुराद को सब क्या कहते थे, क्रेजी कहते थे, और सब यही कहते थे कि उसका जो है खुशरोव अंकल का साया है उस पर, बिकॉज खुशरोव अंकल की जो शरारती थी वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाते थे एंड उन्हें भी क्रेजी समझा जाता था। तो सब कहते थे कि मुराद पर उसके अंकल खुशरोव का साया है, वो उन्हीं पर गया है, वो भी ऐसे पागलों की तरह हरकतें करता है। सो ये स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है, ये स्टोरी स्टार्ट होती है अरम के कमरे के बाहर से, जब मुराद आते हैं सुबह 4 बजे अरम के कमरे के बाहर, जब अरम सो रहे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्टोरी अरम के कमरे के बाहर से शुरू होती है, जब अरम सो रहे होते हैं एंड सुबह 4 बजे एट 4 in the morning क्या होता है, मुराद आते हैं और उनके रूम के विंडो के डोर पर टैप करते हैं। सो ही टैप्ड ऑन द विंडो टू अरम्स रूम, व्हेन अरम्स लुक आउट ऑफ द विंडो ही वाज टेकन अबक एंड स्टार्ड टू सी मुराद राइडिंग अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। यानी कि जब मुराद उसको नॉक करते हैं तो अरम सुनते हैं कि भाई ये कौन आवाज़ कर रहा है, मतलब देखते हैं बाहर जाके, वो देखते हैं तो उन्हें बिलीव ही नहीं होता, मतलब क्या देख रहे हैं। वो अपनी आंखों को ऐसे मल के देखते हैं और देखते हैं कि मुराद जो एक ब्यूटीफुल से वाइट हॉर्स पर बैठा हुआ है। मैं आपको बता दूं, दोनों कज़न ब्रदर्स अरम एंड मुराद दोनों को ही हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक था, दोनों ही क्रेजी थे उसके लिए। तो उसके बाद क्या होता है, उन्हें बिलीव ही नहीं होता। दिस वॉज टू अनबिलीवेबल बिकॉज अरम न्यू दैट दे वर टू पुअर। अरम जानते थे कि वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं एंड वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते एक हॉर्स को, बिकॉज 2 टाइम की रोटी भी बहुत मुश्किल से ला पाते हैं। तो उन्हें बिलीव ही नहीं होता, उन्हें लगता है कि मतलब ये मुराद कहाँ से लेकर आए हैं इस हॉर्स को, कहीं उसने चुराया तो नहीं है। फिर वो कहता है कि नहीं भाई, हम चुरा तो नहीं सकते, बिकॉज हमारी तो हम तो फेमस हैं, हम तो गैरोगैलियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, हम तो ट्रस्टेबल हैं, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं।
फिर वो पूछ ही लेता है मुराद से अरम कि क्या तुमने ये चोरी किया है इस घोड़े को। आस्क्ड मुराद अबाउट द हॉर्स, वो पूछता है हॉर्स के बारे में क्या तुमने इसे चोरी किया है। तो वो कहता है, वो कुछ जवाब ही नहीं देता, वो सिर्फ ये बोलता है अगर तुम्हें राइड करनी है तो जल्दी आ जाओ इससे पहले कि सब उठ जाए। तो वो समझ जाता है अरम कि हाँ भाई इसने इसे चोरी किया हुआ है। वो कुछ नहीं कहता, फिर वो भी भाई बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, फर्स्ट टाइम उन्हें मौका मिलता है तो वो सोचते हैं एक बार राइड तो कर ही लेते हैं, हम कौन सा इसे बेच रहे हैं, बेचना तो चोरी करना होता है, हम इसे सिर्फ राइड करने के लिए यूज कर रहे हैं, ये तो कोई चोरी नहीं है। तो अब इसके बीच में वो डिफरेंस बताते हैं, उसे समझते हैं। ओके, सो इसके बाद नरेटर बताते हैं अंकल खुशरोव के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुराद को सब लोग क्रेजी क्यों कहते थे, क्योंकि सब ये कहते थे कि ये भी खुशरोव अंकल पे गए हैं, ये दोनों ही क्रेजी क्रेजी सी बातें करते हैं। सो ऐसा क्यों होता था, तो खुशरोव अंकल के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि दोनों को क्रेजी क्यों कहा जाता था। जो खुशरोव अंकल थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस थे, इम्पिटेंट थे, इरिटेबल थे, वो बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाते थे, उन्हें मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था, वो हर बात पे यही कहते थे इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, यानी कि इससे कोई हार्म नहीं है इस पे ध्यान मत दो। एक एग्जांपल दिया गया है इसके अंदर, वो एग्जांपल देखते हैं। सो ये एग्जांपल है कि वन डे हिज सन केम, एक दिन उनका बेटा आता है और क्या कहता है, टोल्ड दैट हाउस इज ऑन फायर, घर में आग लग गई है पापा जल्दी करो। तो वो क्या कहता है खुशरोव अंकल, वही सेम बात कि इसमें क्या हार्म है, इस पे ध्यान मत दो। यार मतलब कि वो खुशरोव अंकल सही में क्रेजी थे, कोई ऐसा कहता है अगर किसी के घर में आग लग जाए तो भाई हम तो भागने लग जाएं, एंड वो कह रहे थे इससे कोई हार्म नहीं है, इस पे ध्यान मत दो, इस पे कोई हार्म नहीं है, यानी कि इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। इसलिए यहाँ पे अजीब सा फेस बनाया, बिकॉज वो अजीब ही थे और ऐसे ही थे मुराद, इसलिए इन दोनों को क्रेजी बोला गया है इस स्टोरी में। ओके, इसके बाद ना जो मैंने स्टार्टिंग में मतलब इससे पहले जो डिफरेंस की बात की थी उसमें पढ़ते हैं, उसमें वो क्या बोलते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि वो हॉर्स को 2 वीक्स के लिए अपने पास रखेंगी, जब तक कि उन्हें मतलब थोड़ा रिलैक्स फील ना हो जाए, वो इंजॉय ना कर लें अच्छे से। तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई हम जो हॉर्स को अपने पास 2 वीक्स के लिए रखेंगे, एंड उसके बाद वो जस्टिफाइड करते हैं कि चोरी के अंदर और सिर्फ राइडिंग के लिए हॉर्स को लेने में क्या अंतर है। वो कहते हैं कि चोरी जब कहलाती है जब हम उससे मनी कमाए, यानी कि घोड़े को लेके बेच देते और उससे पैसे कमाते तो वो चोरी होती, पर हमने उसे बेचा थोड़ी ना, हम तो सिर्फ उसके साथ राइड कर रहे हैं तो ये चोरी नहीं है। वो इसे जस्टिफाई करते हैं, ओके बट ओनली फॉर राइडिंग इट इज़ नॉट अ स्टीलिंग, सिर्फ राइडिंग के लिए वो एक चोरी नहीं है, दे हाइड इट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो उसे हॉर्स को पूरे वर्ल्ड से छुपा के रखते हैं, कीपिंग इट इन अ बार्न ऑफ द डेजर्ट वाइनयार्ड, यानी कि वो एक वाइनयार्ड था, वो किसका था, फिटवेजन का था, जो मैंने आपको बताया था ना सब करेक्टर्स में फिटवेजन जो एक फार्मर थे वो उनका वाइनयार्ड था, जहाँ पर हॉर्स को अरम ने और मुराद ने सबसे छुपा कर रखा हुआ था। ओके, तो वहाँ पे से छुपा के रखते थे एंड डेली उसके साथ राइड पे जाते थे, इन्जॉय करते थे। उन्होंने तो ये डिसाइड किया था कि वो 2 वीक्स तक रखेंगे, एंड वो तो ये भी बोल रहे थे कि हम 1 साल तक रखेंगे, बट उसने कहा कि 1 साल तक हम छुपा पाएंगे, अगर हम पकड़े गए तो हमारी कितनी बदनामी होगी, क्योंकि वो तो ट्रस्ट के लिए फेमस है। तो उन्हें डर भी था इस बात का, तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं ज़्यादा नहीं, तो हम 2 वीक्स के लिए रख लेंगे। उसके बाद एक दिन क्या होता है, जॉन बैरो आते हैं, कहाँ पर आते हैं, अरम के घर पर, क्योंकि वो कौन है, उनके फैमिली फ्रेंड हैं, एंड वो बहुत ही ज़्यादा सैड होते हैं। क्यों सैड होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई जो मेरा हॉर्स था वो कहीं पर लॉस्ट हो गया है, वो मिसिंग है बहुत टाइम से, एंड वो मुझे मिल नहीं रहा है, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, मुझे सारा सामान अकेले लेके जाना पड़ता है, अगर मुझे, क्योंकि वो फार्मर थे उन्हें भाई बहुत सारा सामान लाना होता है, मुझे अकेले जाना पड़ता है बहुत बहुत दूर, इतना सारा सामान अकेले जाना फिर वापस आना, एंड वो उसे बहुत याद कर रहे थे। तो वो अपना दुख दिखाते हैं कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि मेरा घोड़ा खो गया है जो वाइट कलर का है, कैसा है, वाइट कलर का उनका हॉर्स है। तब अरम जो है उनकी बातें सुन लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि हाँ जो मुराद के पास घोड़ा है वो जॉन बैरो अंकल का ही है। उसके बाद क्या होता है, अरम उनके मुराद के घर पर जाते हैं भागे भागे, एंड वो क्या देखते हैं, जब वो जाते हैं नरेटर भागे भागे, तो वो देखते हैं कि जो
कौन है, जो मुराद है हमारे, वो क्या कर रहे हैं, वो एक बर्ड एक ट्री के नीचे बैठे हैं और एक बर्ड्स के मतलब विंग्स में थोड़ी चोट लग गई है तो उसके विंग्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो नरेटर सोचते हैं कि वाओ, मतलब मुराद को सब क्रेजी कहते हैं, ये तो इतना ज़्यादा अच्छा इंसान है, कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड है, कितनी केयर है इसे एनिमल्स के बारे में, क्योंकि हर किसी का टैलेंट अलग अलग चीज़ में होता है। उनको एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार था, वो अलग बात है कि वो अपने मन की करते थे, मतलब जो उन्हें अच्छा लगता था इसलिए सब उन्हें क्रेजी कहते थे। थोड़ी उनकी बातें भी अजीब सी थी, पर वो कहते हैं कि कितने ज़्यादा काइंड हार्टेड है मुराद, वो कितना ध्यान रखते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो उस बर्ड के विंग को ठीक कर देता है और उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं। वो दो तीन बार बर्ड्स गिरती है लेकिन एक बार में क्या होता है, वो उड़ जाती है और वो सही हो जाती है। तो उसके बाद वो डिसाइड करते हैं, वो बोलते हैं कि जॉन बायरो हमारे घर पर आए थे और ये बात है। तो वो कहते हैं हाँ, यानी कि वो छुपा नहीं पाएंगे ज़्यादा टाइम के लिए। तो वो कहता है कि मुझे अभी तो घोड़ा वापस नहीं देना, क्योंकि मैंने तो भी राइड भी नहीं की इतनी ज़्यादा, हम तो उसे 6 मंथ के लिए रखने वाले थे ना। तो वो कहते हैं कि 1 साल के तो रख नहीं पाएंगे, 6 मंथ के लिए देखते हैं। और उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि हम 6 मंथ के लिए रखेंगे और तब तक किसी को नहीं बताएंगे। ओके सो गाइस, मतलब आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि मतलब पहले उसने 6 मंथ बोला, पहले वो 2 वीक्स बोल रहा था, वो 6 मंथ बोल रहा है। तो 6 मंथ तब बोलता है जब अरम ये बोलता है कि मुझे इसको राइड करना है, तो मुराद बोलता है कि 1 साल लगेगा कम से कम। तो वो कहते हैं कि 1 साल तो नहीं रख पाएंगे तो हम 6 मंथ रख लेते हैं, लेकिन पहले वो यही सोचते हैं कि हम 2 वीक्स के लिए रखेंगे एंड एन्जॉय करेंगे थोड़ा सा राइड को, मॉर्निंग में सुबह सुबह किसी को नहीं बताएंगे एंड देन उसके बाद उसको वापस कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता, उसके बाद वो 6 मंथ के लिए डिसाइड करते हैं, लेकिन वैसा भी नहीं होता। फिर क्या होता है, कुछ टाइम हुआ होता है उन्हें, 1 वीक्स हो गया होगा कम से कम। तो वो एक दिन क्या होता है, वो राइड कर रहे होते हैं हैप्पीली बहुत अच्छे से। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी राइड कैसे थी। तो अरम जो थे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, मतलब कि वो वाइनयार्ड्स में जा रहे थे, वहाँ पे बहुत सारी इरिटेशन डिचेस थी, कंट्री रोड्स थे, है ना। और मुराद तो इतने ज़्यादा हैप्पी थे कि वो गाना गाने लगे और वो गाना इतनी अजीब सी आवाज़ में गा रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो कोई चिल्ला रहा हो, कोई गाने नहीं गा रहा हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुराद को सब क्रेजी मानते थे और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो वो जो करते थे अपनी मन से करते थे। तो वो चिल्लाते हुए गाना गा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद मुराद क्या बोलते हैं, मुराद बोलते हैं कि वो अकेले राइड करना चाहते हैं एंड अरम आप उतर जाओ, मेरे को एक बार अकेले राइड करनी है। तो अरम उतर जाते हैं। उसके बाद मुराद हॉर्स के ऊपर चढ़ते हैं और उसके हील्स पे किक करते हैं और बोलते हैं वजीरे रन, बहुत तेज से शाउट करते हैं वजीरे रन, एंड जो घोड़ा है वो दौड़ने लगता है। उसके कुछ टाइम बाद वो अच्छे से घूम कर आते हैं तो अरम देखते हैं कि मुराद बिल्कुल पसीने से लथपथ हैं। एंड अब अरम बोलते हैं कि अब मेरी बारी है, अब तुम उतर जाओ, मैं अकेले राइड करूँगा। तो मुराद ने बोला कि तुम इसे चला पाओगे, तो नरेटर कहते हैं कि हाँ हाँ मैं चला लूँगा। तो वो बैठ जाते हैं एंड वो जो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि वो बैठ जाते हैं और घोड़ा जो है मूव ही नहीं करता बिल्कुल भी। तो वो बोलते हैं कि तुम इसके हिल्स पे किक करो और बोलो वजीरे रन। तो वो फिर भी नहीं मूव करता, थोड़े टाइम बाद वो किक करके देखते हैं तो वो रन करने लगता है। एंड वो क्या करता है, घोड़ा वो उनको बिठा लेता है, लेकिन आगे जाके वो ड्राई ग्रासेस की रोड पे ना जाकर वो वैनयार्ड्स में चला जाता है और वहाँ पे जाकर उनको गिरा देता है। नरेटर वहाँ से गिर जाते हैं एंड एकदम से जो वो है घोड़ा वो डिसअपेयर हो जाता है। सारे में सब ढूंढते रहते हैं, वो डर जाते हैं कि कोई देख ना ले घोड़े को। वो ढूंढते हैं जब तक मॉर्निंग हो चुकी होती है, सुबह हो चुकी होती है, उजाला हो चुका होता है, सब जग जाते हैं। तो उन्हें बहुत डर लगता है कि अब वो क्या करें। वो बहुत टाइम बाद वो डिसअपेयर हो जाता है ना घोड़ा, तो उसे ढूंढ लेते हैं। उसके बाद फिटवेजियन, मैंने आपको पहले ही बताया था फिटवेजियन का एक मिट्टी का ऐसी खाली पड़ा होता है वाइनयार्ड्स, तो उसमें जाकर उसको छुपा देते हैं। ओके उसके बाद एक दिन क्या होता है, एक दिन जब वो डेली की तरह ही एक एक करके राइड कर रहे होते हैं, क्या होता है डेली ही घोड़ा नरेटर को गिरा देता था और मुराद को कुछ नहीं कहता था। तो एक दिन ऐसे ही चल रहा होता है, वो राइड कर रहे होते हैं और उनको रस्ते में जॉन बायरो मिल जाते हैं एंड जॉन बायरो देखते नहीं पहचान लेते हैं कि ये तो मेरा घोड़ा है। फिर वो मुराद कहता है अरम से कि तुम चुप रहना, तुम कुछ मत बोलना बीच में, मैं इन्हें हैंडल कर लूंगा बिकॉज मुझे पता है कि किसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो अरम कहते हैं ठीक है। तो जब वो आते हैं जॉन बायरो, तो मुराद बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर। तो जॉन बायरो बोलते हैं गुड मॉर्निंग बेटा। तो गुड मॉर्निंग होने के बाद वो एक दूसरे से बातें करते हैं। जॉन बायरो बोलते हैं कि क्या मैं आपके घोड़े को एक बार चेकआउट कर लूँ। तो वो कहते हैं हाँ हाँ ज़रूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो
जॉन बायरो अपने आप को श्योर करने के लिए अपने घोड़े के टीथ काउंट करते हैं, एंड वो टीथ भी उतने ही होते हैं जितने कि उनके घोड़े के थे। वो एकदम श्योर थे कि हाँ भाई ये मेरा ही घोड़ा है, पर वो बोलते हैं कि नहीं भाई ये तो ट्रस्ट के लिए फेमस हैं, तो ऑनेस्ट रहते हैं हमेशा क्योंकि ये गैरो गैलियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो मैं इन पर कैसे शक्कर लूँ, वैसे भी ये मेरे दोस्त के बच्चे हैं। तो वो बोलते हैं, सिर्फ ये बोलते हैं कि ये मेरे घोड़े का ट्विन है और कुछ नहीं है। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, एंड वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब क्या होगा, कहीं हम पकड़े तो नहीं गए, कहीं अब हमारा नाम खराब तो नहीं हो जाएगा। तो अगली सुबह वो क्या करते हैं, अगली सुबह वो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, तो अगली सुबह वो जाते हैं जॉन बायरो और उनके जॉन बायरो का जो वैनयार्ड होता है वहाँ पर उसको छोड़ देते हैं। तो छोड़ते टाइम वो क्या करते हैं, उसे पेटेड करते हैं, थोड़ा सा प्यार करते हैं, उसको थपथपाते हैं, एंड देन दोनों उसको प्यार करके वापस आ जाते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, जॉन बायरो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब वो अपने घोड़े को देखते हैं, एंड उसके बाद वो फिर से आरम के घर पर जाते हैं अपना खुशी को दिखा, वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं, और नरेटर की मदर यानी कि आरम के घर पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मेरा घोड़ा वापस आ गया है आज 2 महीने बाद, लेकिन जिसने भी उसे चुराया था उसने सही में उसे और ज़्यादा स्ट्रोंग कर दिया है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग हो गया है, बेटर टेम्पर्ड हुआ है, और मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरा घोड़ा वापस आ गया है, अब ये पहले से भी अच्छा है। तो ये स्टोरी यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइज, गुड बाय, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, लव यू ऑल।